सॉलिड स्टेट। आइए हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो आप पहले से जानते भी हैं। और जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का जो ये फेनोमेना पढ़ेंगे वो कंडक्शन के आधार पे पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी के आधार पे पढ़ेंगे कि कितना कंडक्टिविटी है किस सॉलिड में, कितना तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उस सिस्टम में। तो इसको जितना ही तेज़ी से अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, उस सिस्टम की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म में भी समझ सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हायर होगा उसकी कंडक्टिविटी लोअर होगी। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, हायर द रेजिस्टेंस लोअर द कंडक्टिविटी। पहला है हमारा कंडक्टर, कंडक्टर है। दूसरा है इंसुलेटर, इंसुलेटर। और तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर। क्या होता है इसके बारे में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं और इसकी कंडक्टिविटी रेंज को देख लेते हैं। जो इसका कंडक्टिविटी रेंज होता है 10 टू द पावर 4 टू, कितना होता है 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7। ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होता है इसका कंडक्टिविटी का रेंज। इंसुलेटर का 10 टू द पावर माइनस 20 टू 10 टू द पावर माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस कंडक्टिविटी। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो इसका जो रेंज होता है 10 टू द पावर माइनस 6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी है। रेजिस्टेंस की बात करें अगर, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा और इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस पाया जाएगा, और इसमें मिडिल या मॉडरेट रेजिस्टेंस पाया जाएगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल, अब ये इसको हम बैंड थ्योरी के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बैंड थ्योरी। फिर हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में भी
स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है और कौन कौन से इसमें टर्म हमें पढ़ने हैं बैंड्स थ्योरी में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल नाम से एक टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, हम इसको बैंड थियरी नाम देंगे। बैंड थियरी जनरल सा चीज आप समझिए, अगर एक हमारे पास कोई चीज है जो एक दूसरे पे ओवरलैप है तो क्या इसमें कंडक्शन होगा कि नहीं। एक ये लोहे का वायर है और एक ये भी लोहे का वायर है और दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ये पहला केस है। दूसरा केस है कि इसमें थोड़ा सा गैप है, तो हो सकता है कि अगर हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करें तो यहाँ पे आयंस आयनाइज हो जाए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। लेकिन अगर इस ऊपर वाले वायर में और नीचे वाले वायर में जो गैप हो वो ज़्यादा हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो देखिए मेटल के केस में, ये मेटल का केस है, ये हमारा सेमीकंडक्टर का केस है और ये हमारा इंसुलेटर का केस है। इन अब देखिए क्या इनको नाम देते हैं बैंड थ्योरी के आधार पे। नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और ये जो गैप होता है इसको एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप के नाम से भी जाना जाता है। फॉरबिडन गैप फॉरबिडन गैप। तो अगर जनरली हमें कहना हो तो जिसमें फॉरबिडन गैप की वैल्यू मिनिमम होगी उसमें कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी और जिसमें फॉरबिडन गैप ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टिविटी कम होगी। तो आइए समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं वैलेंस बैंड। द बैंड फॉर्म बाई लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल्स या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स या द बैंड आर फॉर्म बाई फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स जो फुलफिल रहेंगे ऑर्बिटल्स वो नीचे रहते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल्स ऊपर रहते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो उसी के आधार पे इसको भी लिखा गया है। तो वैलेंस बैंड का डिफिनीशंस की अगर बात करें तो ये फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नोन एज वैलेंस बैंड एंड द पार्शियली फिल्ड पार्शियल हाफ फील्ड अगर है तो क्या हो सकता है कंडक्शन बैंड हो सकता है, वैकेंट होगा तो भी कंडक्शन बैंड होगा। तो अगर इन दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है आपस में डिस्टेंस कम है तो ये हमारा मेटल होगा। एनर्जी गैप फॉरबिडन गैप अगर मैक्सिमम पाया जा रहा है तो इंसुलेटर होगा और ये दोनों के बीच का डिफरेंस ना मेटल इतना कम हो और ना नॉन मेटल इतना ज़्यादा हो या इंसुलेटर इतना ज़्यादा हो तो इस कंडीशंस में हम सेमीकंडक्टर्स नाम देते हैं।
अब सेमीकंडक्टर्स को हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की व्हाट इज सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती हो वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, इसको पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप ऑफ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। क्या होते हैं दोनों में, क्या डिफरेंस है? प्योर सेमी कंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रेंसिक और इम्प्योरिटी डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमी कंडक्टर्स आर नोन एज एक्सट्रेंसिक। कैसे इम्प्योर बनाते हैं इसको भी पढ़ना है, हाउ टू मेक प्योर सेमीकंडक्टर्स चेंज इनटू इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस का नाम देते हैं डोपिंग। और व्हाई वी डू डोपिंग, डोपिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है डोपिंग करने का? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डोपिंग? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें डोपिंग करने की नीड होती है। व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग? द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज डोपिंग। अब ये दो टाइप्स की डोपिंग होती है, एक होता है पेंटावैलेंट डोपिंग और एक होता है ट्राईवैलेंट डोपिंग, जिसको एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे डोपिंग करते हैं डायग्रामेटिकली। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी तो उसमें डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझाया गया है डोपिंग को, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू डन डोपिंग, डोपिंग करते कैसे हैं एक्चुअल में। अगर सिलिकॉन का कोई परफेक्ट है, ये हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं, देखिए, तो इस सिलिकॉन के पास एक
समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ऐसे अगर डोपिंग हम कर रहे हैं तो सिक्वेंशियली देख लेते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है डोपिंग का। तो इस तरह से चार हमारे सिलिकॉन के कंपाउंड्स मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। अगर सिंपली इस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा एक सिलिकॉन है तो इसके चार हो गए बाहर समझिए, और इसको चार अगर सिलिकॉन के एटम्स सराउंडेड किए हुए हैं तो एक हमारा यहाँ पे हो गया सिलिकॉन का, दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे आ जाएगा, इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे आ जाएगा, और इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे आ जाएगा, और इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे आ जाएगा। बचे इसके तीन, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्टेट बना लेते हैं, क्लियर। तो इस सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर इस सिस्टम में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, समझ लीजिए पहले क्या होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो नेपाल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें होता है 5-5, और इसके अलावा ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब एलिमेंट हैं जिनको हम डोप्ड करते हैं, क्लियर। तो समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं मिटा दूं, देखिए अगर इसके जगह पे आर्सेनिक ले लेते हैं, एस आर्सेनिक है पेंटावैलेंट, और इस सिलिकॉन के पास चार है, इस सिलिकॉन के पास भी चार है, इस सिलिकॉन के पास, इस सिलिकॉन के पास, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 हैं। तो सपोज करिए कि ये हमारे सिलिकॉन आर्सेनिक का है, एक दो तीन चार, लेकिन अभी भी आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसमें एग्जिस्ट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम जब किसी सेमीकंडक्टर्स में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड करते हैं और नए जो सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की गई है तो एन टाइप सेमी कंडक्टर। इसका रीजन क्या है, यन माने निगेटिव, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर।
नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये सिस्टम, और जो इसमें कंडक्टिविटी का फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव चार्जेस के थ्रू हो रहा है, इसीलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्सेनिक का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है, पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसीलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स नाम देते हैं। अगर इसी सिस्टम में हम इसको एक बार एक और सिस्टम बना लेते हैं, सपोज करिए कि हम बोरॉन ले लेते हैं सेंटर में, और यहाँ पे हमारे पास सिलिकन है, यहाँ पे भी सिलिकन है, यहाँ पे भी सिलिकन है, और यहाँ पे भी सिलिकन है, तो हर सिलिकन के एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएंगे। देखिए ये सिलिकन का है और बोरॉन का जो है वो डॉट से है, तो देखिए ये हो गया इस, फिर इस सिलिकन का और इस बोरॉन का, ठीक है, और यहाँ पे एक इस बोरॉन का और एक इस सिलिकन का, ठीक है, और इस सिलिकन का तो चौथा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन के कितने होते हैं, तीन। बोरॉन का कितना होता है, तीन होता है क्या, वैलेंसी, तो ये तीन ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पे एक होल बन जाता है, खाली जगह बच जाती है, यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरॉन के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है और यहाँ पे होल बच जाता है और वो पॉजिटिव के तरह बिहेव करता है। इस तरह से अगर ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हैं तो इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारा चीज इरेज करके, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। पेंटा वैलेंट अगर मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप, ट्राई वैलेंट अगर मिलाते हैं तो पी टाइप, पी टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के वजह से चार्ज फ्लो होता है और इसमें होल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, तो इस तरह से हमने देखा इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक्सेस होता है वो नेगेटिव टाइप, यहाँ पे डिफिशियंसी होता है वहाँ पे पॉजिटिव टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स नाम देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा डायोड, ट्रायोड्स, फोटो डायोड्स एंड वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इसका यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉलिड्स को, मैग्नेटिक फेनोमेना के आधार पे इसको फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला क्लास है हमारा पैरामैग्नेटिक।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण के बारे में हम पढ़ेंगे, क्रिस्टल्स के चुंबकीय गुण के बारे में। तो इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में, ध्यान से देखिए। पहला है पैरा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसके बाद हमारा है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसके बाद आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और इसके बाद हमारा आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है Cu प्लस, Fe3 प्लस, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, इसके अलावा क्रोमियम Cr3 प्लस, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये अट्रैक्ट करता है। ये पैरामैग्नेटिक्स के प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद डायामैग्नेटिक्स की बात करें, डायामैग्नेटिक्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है हमारा NaCl, NaCl, H2O, ये हमारा डायामैग्नेटिक का एग्जांपल है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि पहले से ही पेयर्ड रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसका कुछ यूं रहता है, इसीलिए इसमें एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड में और अपोजिट स्पिन्स में होने के कारण इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर्स लॉस हो जाता है, और इसमें नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये रिपेल करता है, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी बात करें डायामैग्नेटिक्स की तो इसके एग्जांपल हैं NaCl, H2O, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करता है। अब हम बात करने वाले हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, TiO2 इसका एक एग्जांपल है, अब हम बात करने वाले हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में कि क्या होते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस।
इसका एग्जांपल है आयरन कोबाल्ट। आयरन एंड कोबाल्ट जो है इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा निकल भी इसका एग्जांपल है। और अगर अट्रैक्ट, और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें जो पावर होता है वो अट्रैक्शंस का पाया जाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट होता है एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यह स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके अलावा Cr2O भी इसका एग्जांपल है। अब हम बात करने वाले हैं एंटी फेरो मैग्नेटिज्म एग्जांपल्स की बात करें तो MnO2 ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। MnO2 ये इसके काफ़ी फ्रिक्वेंट एग्जांपल्स हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो डोमेन्स होते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक हमारे डायमैग्नेटिक्स के तरह बिहेव करते हैं। इसका डोमेन्स की बात करें तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है बिल्कुल नहीं होता है। डोमेन्स जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट स्पिन्स में पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के सिस्टम को क्या कर देते हैं, कैंसल्स आउट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा फेरी मैग्नेट। और फेरी मैग्नेटिक्स की बात करें तो इसके कुछ बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो बहुत ऑब्जर्वेबल नहीं हैं। इसमें क्या होता है, रैंडम नेचर का होता है। अगर एक ऊपर है दो नीचे हो सकता है, फिर एक ऊपर हो सकता है। तो इसका जो म्यू की वैल्यू हो सकती है, म्यू नॉट इक्वल्स टू द जीरो, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं हो सकता है। ये इसमें केसेस हैं। तो NCERT में डोमेन्स का अलाइनमेंट भी दिखाया है फिगर से, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इक्वल नंबर में डोमेन्स का अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है।